नमस्कार, मैं हूं अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं शहर का नंबर वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। कोरोना और AES को लेकर जिलाधिकारी ने जिले के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। हथौड़ी थाना क्षेत्र में होली के दिन सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। और बढ़ते कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर RPF द्वारा मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर आयोजित की गई नुक्कड़ नाटक। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण और AES को लेकर जिलाधिकारी ने पदाधिकारी और जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण और इंसेफ्लाइटिस महामारी के बचाव, नियंत्रण और रोकथाम के लिए सोमवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कोरोना संक्रमण और इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे योजना की जानकारी दी और साथ ही उन लोगों से सुझाव भी मांगा। जनप्रतिनिधि के द्वारा दिए गए सुझाव को चिन्हित कर जल्द करने की बात कही। जो बढ़ता संक्रमण नजर आ रहा है, अप्रत्याशित वृद्धि है संक्रमण में, उसे लेकर के और चमकी बुखार को लेकर के जिलाधिकारी द्वारा जिले के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की गई है, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा COVID-19 और चमकी बुखार को लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी उनको दी गई। साथ ही साथ उनसे सुझाव भी उनके आमंत्रित किए गए और माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिला प्रशासन को, जिसमें जिला प्रशासन उनको आश्वासन दिया। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए RPF द्वारा मुजफ्फरपुर जंक्शन पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आने वाले यात्रियों को जागरूक किया गया। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमितों मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि में कमी लाने के लिए सोमवार को रेलवे स्टेशन परिसर में रेल यात्रियों के बीच कोरोना से बचाव और रोकथाम के लिए सोनपुर मंडल के रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के दौरान कोरोना का सांकेतिक रूप को बनाकर रेल यात्रियों को जागरूक किया गया। साथ ही कोरोना से बचने के लिए एहतियात बरतने के साथ साथ मास्क पहनने के साथ 2 गज की दूरी और साफ सफाई का इस्तेमाल करते रहने की जानकारी दी गई। RPF के थानाध्यक्ष वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि रेल भी कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में है और इसको लेकर RPF की टीम लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जन जागरूकता अभियान को चला रहा है। और आज इसी क्रम में रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रा के आए हुए यात्रियों के बीच में इस अभियान को चलाया जा रहा है, जिससे रेल यात्री कोरोना से खुद की सुरक्षा कर सके। ये सोनपुर मंडल रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें हम यात्रियों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनको हम लोग सलाह दे रहे हैं कि यात्रा करने से पूर्व वो रेलवे परिसर में आने से पूर्व वो मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ताकि हम लोग इस कोरोना महामारी से बचते हुए ये रेल की यात्रा सुरक्षापूर्वक कर सकें। जिले में बढ़ रही कोरोना संक्रमण मामले और जिला प्रशासन द्वारा लगातार चलाई जा रही अभियान का असर अब आम लोगों पर दिखने लगा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की लहर के बढ़ते प्रकोप से बाजारों में मास्क, सैनिटाइजर और साबुन की बिक्री में बढ़ोतरी होने लगी है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर रंग बिरंगे मास्क से सजी दुकान पर बिक्री जोरों पर है। कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए मास्क अहम हथियार है। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा लगातार चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान और मास्क चेकिंग अभियान का परिणाम अब सड़कों पर दिखने लगा है, जिस वजह से मास्क की बिक्री बढ़ रही है। वहीं कोरोना से बचाव को लेकर आम लोगों की भीड़ दुकानों पर दिखने लगी है। खरीदारों का कहना है कि कोरोना से बचना है तो 2 गज दूरी मास्क है जरूरी।
काम था पिछले साल से ज़्यादा इस बार हो गया है। पहले तो रुमाल बांध के काम चल जाता था, अब बिना मास्क से काम नहीं चलेगा। पूरे फैमिली के लिए मास्क लिए हैं। अपने घर में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घर पर रह रहे हैं। आज मास्क खरीद के जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं। इस वक्त किसी की अपेक्षा इस बार कोरोना बहुत भयानक रूप से तीव्र गति से बढ़ रही है। उसी का रूप मुजफ्फरपुर में भी देखा जा रहा है। आए दिन समाचार पत्र के माध्यम से पता चलता है कि पेशेंट कमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें लोगों में बहुत खौफ और डर के अभाव में लोग घर में निकलना छोड़ दिए हैं, मार्केट में भी नहीं जा रहे हैं। बचाव के लिए क्या उपाय सर? बचाव के लिए है कि मास्क, दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी, तो मास्क के बिना ना निकले, घर में रहें और बच्चों का विस्तृत से और बूढ़ों का ख्याल रखें। मास्क और सैनिटाइज़र की बहुत ज़रूरत है, तो सैनिटाइज़र लें और अभी घर में सैनिटाइज़र खरीदा भी है। हाँ, घर के लिए सैनिटाइज़र लिए हैं। वही मास्क और सैनिटाइजर बिक्री कर रहे दुकानदार ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना इस साल कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है, जिस वजह से मास्क सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ी हुई है। हाई लेवल में बिक रहा है और सबको मेन बात है कि बहुत डर भी लग गया कि पिछली बार लॉकडाउन हो गया था, तो इस बार भी कहीं लॉकडाउन और गंदी तरह से ना हो जाए, तो इसी कारण बहुत ज्यादा सेल हो रहा है इसका, मास्क और सैनिटाइजर का। नगर निगम सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई, जिसमें मेयर द्वारा सर्वसम्मति से कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगी। नगर निगम में कार्यालय परिसर स्थित सभागार में सोमवार को सशक्त स्थायी समिति की बैठक मेयर सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पेयजल संकट को दूर करने, सफाई, नाला उड़ाही, सफाई वाहन की खरीदारी, नल जल योजना की प्रगति, वॉक ऑर्डर के बाद भी काम नहीं शुरू होने सहित एक दर्जन मुद्दों पर बहस के साथ निर्णय लिया गया। मेयर सुरेश कुमार ने बताया कि सशक्त स्थायी समिति की बैठक में शहर के विकास कार्य के लिए 12 एजेंडा ध्वनि मत के पास किए गए हैं। नागरिक स्वच्छता माध्यम से 7 बॉब कट की खरीदारी पर सहमति बनी, साथ ही सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए दिया गया हाथ, ठेला के मरम्मती के लिए निर्णय लिया गया। मॉनसून से पहले शहर के सभी नालों की उड़ाही जल्द ही ली जाएगी, जिससे बारिश में शहरवासी को जल जमाव की समस्या से निजात मिल सके। 12 एजेंडा था, 12 एजेंडा ध्वनिमत से पास हो गया है। उसमें नागरिक स्वच्छता मत की राशि से 10 बॉब खरीदने की थी, उसमें 7 बॉब पर खरीदाएगी, ठेला जो था वही खरीदाएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि मानसून से पहले जो भी छोटी बड़ी नालियां हैं, क्योंकि सिटी मैनेजर साहब छुट्टी में थे, वो आ गए हैं, उस पर अविलंब और युद्ध स्तर पे उस पर कार्रवाई करने का आदेश कर दिया गया है। और बहुत जल्द ही अब की शहरवासी इस बात से निश्चित रहे कि शहर नहीं डूबेगा। दूसरी बात है कि कुआं उगाही का, कुआं में उगाही में अब की क्या हो गया है कि इसके पहले समय तक था 16% बिलो चला गया था, सरकार का निर्देश है कि बिलो में जाना है। अब की जो समय तक लिया है वो 21% बिलो में चला गया है। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कैसे कुआं को वही करेगा, लेकिन चूंकि उसको दिया गया है कैसे करना है वो करेगा। सभी तरह का जो भी इंडिया मार्का 2 जो भी चपाकल है सबका मरम्मती का आदेश हो गया है, क्योंकि ये गर्मी आ रही है। उसके बाद 11 जल मीनार है, उसमें से 5 जल मीनार आपका फंक्शनल हो गया है। और जो पंप हाउस 26 पंप हाउस है, उसमें 17 पंप हाउस की जीर्णोद्धार कर दी गई है और उससे पानी मिलना शुरू हो गया है। गर्मी में पानी की स्थिति कहीं से गड़बड़ नहीं रहेगी, पानी सबको मिलेगा, हर घर जल जो माननीय मुख्यमंत्री का यह है उस मिलेगा। और जो हर घर नल जल की योजना की तरह जो अभी हम लोग जो लिए हैं 400 वाट में हर एक घर में पानी पहुंचाने का, उस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और कार्रवाई हो रही है। बहुत जल्दी संभवतः 2 महीना के अंदर में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। तेल का खेल पर चर्चा हुई है, चूँकि अखबार में दैनिक अखबार आया हुआ था कि फॉगिंग होती है और वार्ड पार्षद संतुष्ट नहीं होते हैं अपने वार्ड में फॉगिंग से, और शहर में तरह तरह की बातें होती रहती है। इसलिए हुआ है कि अब की वार्ड पार्षद के पास ही जाएगा फॉगिंग मशीन और वार्ड पार्षद अपने ही करवाएंगे। उसी के मद्देनज़र हम लोग ने ये किया है कि 4900 वार्ड में जो 55 मशीन खरीदाई है सैनिटाइजर करने का, वार्ड पार्षद के निवास पे यहाँ कर्मचारी ले जाएंगे, साथ जमादार रहेंगे और सुबह दोपहर शाम जितना करवाना हो ये सैनिटाइजर करवाए, चूंकि कोरोना का प्रकोप।
युवा जेडीयू के नए जिलाध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता का सर्किट हाउस में जोरदार स्वागत किया गया। जिला जदयू के कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस परिसर में युवा जनता दल यूनाइटेड के नए जिला अध्यक्ष भारतेंदु सिंह और जिला मुख्य प्रवक्ता कुंदन सांडिल्य का भव्य स्वागत किया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए युवा जदयू के जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है उसका मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करूंगा और छात्र छात्राओं के लिए हर संभव सरकार से मिलने वाले लाभ के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगा। पद से सुशोभित किया है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और साथ ही मैं आशा के साथ और विश्वास पूर्ण विश्वास के साथ उनको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस काम के लिए मुझे मुजफ्फरपुर युवा जिला का अध्यक्ष बनाया गया है और कुंदल जी को प्रवक्ता बनाया गया है, हम लोग एक टीम बनाकर और इस पार्टी को और इस युवा टीम को और मुजफ्फरपुर युवा को एक ऐसा सशक्त टीम हम बनाएंगे जो आने वाले समय में मुजफ्फरपुर युवा सबसे और उत्तर बिहार में सबसे मजबूत कड़ी होगी। समन्वय सभागार में जिलाधिकारी ने समन्वय समिति की बैठक की, जिसमें जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। वक्त चला छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। समरणालय स्थित सभागार में सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने आवास योजना शत प्रतिशत पंजीकरण एवं जियो टैगिंग लंबित दाखिल खारिज को लेकर कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ दाखिल खारिज के लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि निर्धारित अवधि से अधिक दिनों तक जितने भी लंबित दाखिल खारिज के मामले हैं उनका स्वयं मॉनिटरिंग करें और हाल में निष्पादन सुनिश्चित करवाएं। संबंधित DCLR को भी इसकी जवाबदेही दे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले के कई स्कूल अतिक्रमित हैं। DM ने इसे गंभीरता से लेते हुए उपस्थित अपर समाहर्ता एवं पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया कि अविलंब उक्त स्कूलों को अतिक्रमण मुक्त करवाने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। वहीं जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि बैठक में दाखिल खारिज की भी समीक्षा की गई है। साथ ही कहा कि जिलाधिकारी ने कुछ पदाधिकारियों पर सख्ती बरती है जो दाखिल खारिज मामले को अब तक पेंडिंग रखा है। हमें आज हुई है जिसमें सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं विशेष करके राजस्व से संबंधित आंतरिक संसाधन से संबंधित बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वसूली को लेकर के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जिन अंचल अधिकारियों के द्वारा दाखिल खारिज में ढिलाई बरती गई है उन सभी से शोकाउज पूछने का डायरेक्शन DM साहब ने दिया है और साथ ही उनका वेतन बंद करने का भी आदेश दिया गया है। तो सरकार की विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी प्रगति का सतत अनुसरण किया जाएगा। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा नारायणपुर रोड ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में UA एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत को के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST इंटरनेशनल स्कूल, इफ यू वांट टू गिव योर चाइल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ योर ड्रीम, प्ले टू 10th बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे
छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड शेखपुर अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 8757652616 एंड 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएँ आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। हथौड़ी थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में महिला थाना के पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा। हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में होली के दिन एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद आरोपियों द्वारा दुष्कर्म का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद मामले में महिला थाने में नामजद 5 लोगों पर दर्ज प्राथमिकी में महिला थाना की पुलिस हथौड़ी थाना क्षेत्र के पितोजिया गांव में मुख्य आरोपी अर्जुन सहनी को गिरफ्तार कर उसे सोमवार को न्यायालय में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। महिला थाना की प्रभारी थाना अध्यक्ष संवेदना स्नेही ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म और आईटी एक्ट में दर्ज प्राथमिक एक आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। थाना क्षेत्र का मामला है और इसमें बीती रात प्राथमिकी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। कितने लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है? 5 लोग सर। तो मामला क्या है? ये गैंगरेप का मामला और आईटी एक्ट का मामला है। वहीं लोक अभियोजक डॉक्टर संगीता साही ने बताया कि इस मामले में स्पीड ट्रायल चलाकर पीड़िता को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। नाबालिग के साथ बलात्कार करके और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिसमें आज अर्जुन सहनी गिरफ्तार होकर आए हैं। आगे इसमें क्या करवाई है? आगे इसमें है कि इनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये तो समाज के विरुद्ध अपराध है और ऐसे अपराध के जो खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं वो पकड़ा जाए और उनको जल्दी सजा नहीं हो तो इससे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कोर्ट से भी कोशिश करेंगे और ये पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मनियारी थाना द्वारा कई गांव में छापेमारी कर ताड़ी के दुकान में मिलावटी ताड़ी को नष्ट किया। जिले में अवैध शराब और शराब कारोबारियों पर नकेल कसने को लेकर जिला पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मनियारी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में सोमवार को मनियारी थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मिलावटी ताड़ी और अवैध शराब के अड्डों पर विशेष अभियान चलाकर छापेमारी की गई। इस दौरान कई मिलावटी ताड़ी के दुकान पर पुलिस द्वारा मिलावटी ताड़ी को नष्ट किया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मनियारी थाना के SI मोहम्मद अफगान आलम ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अवैध शराब और मिलावटी ताड़ी के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में मिलावटी ताड़ी को नष्ट किया गया है। मिलावटी शराब ताड़ी जो है उसको हम लोग मनियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत घूम घूम करके उसको विनष्ट कर रहे हैं वरीय पदाधिकारी के आदेश अनुसार। आज कहाँ कहाँ विनष्टीकरण का काम किया गया? माधोपुर सुस्ता है, मनियारी है, उसके बाद सोनवर्षा है, मुरोल। क्या यह अभियान लगातार जारी रहेगा? यह अभियान लगातार जारी रहेगा कि आदमी शांति से रहे और अच्छा से कोई अप्रिय घर। चतुर्भुज स्थान स्थित रेड लाइट एरिया में एक प्रयास मंच द्वारा छोटे बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। एक प्रयास मंच संस्था की दूसरे स्थापना दिवस पर संस्था की ओर से चतुर्भुज स्थान स्थित रेड लाइट एरिया में बच्चों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था की ओर से छोटे बच्चों के बीच पठन पाठन सामग्री के साथ कोरोना से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया। मंच के सदस्य ने बताया कि रेड लाइट एरिया के बच्चों में शिक्षा को लेकर जागरूक किया गया।
इसका उद्देश्य बच्चे पढ़े और अपने परिवार और समाज का नाम रोशन करें। तब पढ़े सब बढ़े, आज एक प्रयास मंच का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 12 अप्रैल 2019 को एक प्रयास मंच का गठन किया गया और आज दूसरा स्थापना दिवस के अवसर पर अपने शहर मुजफ्फरपुर के चतुर्भुज स्थान स्थित रेड लाइट एरिया के बच्चों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच के द्वारा लगातार अपने शहर के स्लम बस्ती में शिक्षा जागरूकता के साथ साथ पठन सामग्री एवं अन्य सामाजिक काम, बाल विवाह, दहेज प्रथा, कोरोना, बाढ़, साथ ही चमकी बुखार जैसे अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। और आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर एक नई शुरुआत की गई, जिसमें अपने सर मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया के बच्चों को अब शिक्षा से जोड़ने का काम शुरुआत की गई है और आज शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आज बच्चों के बीच पठन सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रबड़, कटर का वितरण और मास्क वितरण कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पुरानी गुदरी स्थित एक प्रयास मंच कार्यालय में बच्चों ने केक काटकर स्थापना दिवस मनाई। और साथ ही मैं मंच के माध्यम से आप सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि आप लोग के भी आसपास जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित है, उन्हें आप मदद करें। समरनाले में बिहार राज्य किसान सभा द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। समरनाले में बिहार राज्य किसान सभा ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना दिया। किसान सभा का आरोप है कि केंद्र सरकार जबरन तीनों कृषि कानून को लागू की है। किसान सभा ने मुख्य रूप से नए कृषि कानून को वापस लेने, 1921 के प्रस्तावित बीज की बीज का वापस लेने तथा सरकारी दर पर सभी पैक्सों के माध्यम से गेहूं की खरीदारी करने की मांग की। किसान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां किसान विरुद्ध हैं, राज्य के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लेकर के बिहार राज्य किसान सभा एवं बिहार प्रांतीय खेती मजदूर यूनियन जिला कमेटी की ओर से धरना का कार्यक्रम दिया गया है, जिसमें सभी पक्षों के द्वारा गेहूं की खरीद सुनिश्चित किया जाए, नीलगाय से क्षति हो रही है फसलों को क्षतिपूर्ति दिया जाए और तीनों कृषि कानून को अविलंब वापस लिया जाए। सरकार का जो अभी तक रवैया है किसान के विरोधी चल रही है, आज किसान त्राहिमाम की स्थिति में है। जब भी फसल उगती है तो उसका लागत मूल्य से भी कम किसान को मिल पाता है, मजदूर का मजदूरी नहीं मिल पाता है, न कोई रोजगार मिल रहा है, न नरेगा में कोई काम मिल रहा है। आज इसी उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। मधुबन जगदीश ग्राम निवासी ने अपने भाई की हत्या में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रेल DSP से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कांटी थाना क्षेत्र के मधुबन जगदीश ग्राम निवासी मोहम्मद तैयब ने सोमवार को रेल DSP को ज्ञापन सौंपकर अपने भाई की हत्या में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की है। मोहम्मद तैयब ने बताया कि 27 फरवरी को उनके छोटे भाई मोहम्मद रहमत अली को गांव के कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए। कुछ दिनों के बाद सादातपुर रेलवे गुमती के पास उसका शव बरामद हुआ। GRP थाना ने UD केस दर्ज कर मामले को बंद कर दिया, जबकि उन्होंने काटी थाना को पूरी जानकारी दी कि उनके भाई को गांव के लाल बाबू और मोहम्मद फैयाज रुपए के लेन देन के विवाद में हत्या कर लाश को साक्ष्य मिटाने के लिए सादातपुर रेलवे गुमती के पास फेंक दिया। उन्होंने रेल DSP से इस मामले में अविलंब प्राथमिकी दर्ज कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। गांव का ही दो लड़का मैंने बुला के लेके कौन लोग ले गया था? वो लाल बाबू राघोपुर का है और मेरे गांव का फैयाज, उसका पिता का नाम है अलाउद्दीन मियां। ये दोनों लड़का बुला के लेके गया था, पैसे उसके अकाउंट पे बैंक से भेजा था, बोला था कि चलो मैं तुमको पैसा देते हैं। 4 लाइन के ऊपर उसका दुकान है पंचर का दरभंगा मोड़ पे, और वहाँ ले जा के खिला पिला के उसको हत्या कर दिया, और हत्या करके रेलगाड़ी के ऊपर पटरी पे वो डाल दिया। और हम जब पुलिस वाले के यहाँ चार घटना कब की है? ये 27/2 को घटना है और हम लोगों के सब कब ले गया था बुलाकर? 27/2 को लाश को मिला। लाश तो दिया ही नहीं ना, हमारे मुस्लिम में लाश को जलाया नहीं ना जाता है सर, लाश को दफन किया जाता है। तो GRP वाले लाश को जला दिए ना, और GRP में बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि थाना पे जाओ, थाना वाले को बोलते हैं तो थाना वाले बोलते हैं कि तुमको जहाँ जाना है जाओ, वो हमारे हाथ में नहीं है, GRP के हाथ में है।
मतलब दोनों जगह से दौड़ाया जा रहा है, दोनों जगह से इतने दिनों से परेशान है आप? ये लगभग डेढ़ महीना से परेशान किए हुए हैं, थाना वाला भी परेशान किए हुए हैं और रेल पुलिस भी परेशान किए हुए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हमारा इंसाफ मिलना चाहिए ना, हम लोग गरीब आदमी हैं, कितना परेशान हूँ। आपको इन्हीं दोनों पे शक है? मेरा एकदम पक्का यही दोनों हत्या किया, क्योंकि पैसा उसके पास में 30-40 हजार रुपया भी था। दूसरा नंबर कि अकाउंट पे बैंक द्वारा उसके अकाउंट पे पैसा भी भेजा था ना, और बोल के लेके गया था गांव वाले को। टोटल मालूम है जितना आदमी को अगर लगेगा कि नहीं ये गलत है, 100 को 50 को 200 जितना बोलिएगा उतना गवा देने को तैयार। थाना में प्राथमिक नहीं कराए थे, किए थे ना सर? लेकिन वो तो कुंदन बाबू क्या बोलते हैं कि तुमको जो करना है करो, हम अपने हिसाब से करो। कौन है कुंदन कुमार? थाना प्रभारी है ना, इंस्पेक्टर है। कौन थाना? कांटी थाना के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम जो कराया गया उसके बाद पंचनामा में आपके सबसे जो चीजें बरामद हुई थी उसकी जानकारी आपको दी गई? नहीं दिया ना, पुलिस वाले भी हमें नहीं दिए ना। पहचान कैसे हुआ कि वो सब आप ही के भाई? वो कपड़ा वहाँ जिधर मर्डर हुआ था रेलगाड़ी के पास, तो जो गाँव का लड़का लेके गया था वही लड़का बोला था कि चलो इधर मैंने ढूंढते हैं, तो उसको वहाँ कपड़ा पैंट था, शर्ट था, जूता था, उससे पहचान हो गया ना कि ये मेरा लड़का है। दूसरा नंबर कि उसका 6 औंगुरी था हाथ में, वहाँ के लोगों से भी पूछा गया तो बोला कि हाँ ये 6 औंगुरी वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।